नमस्कार साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि करेंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है। और आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका MPPSC हो या व्यापम के तमाम एग्ज़ाम होते रहते हैं, उनकी बात कर लीजिएगा आप लोग, जैसे आपका MPSI, MP पुलिस कॉन्स्टेबल, जेल पहरी, पटवारी, आप देखते हैं शिक्षक भर्ती भी होती रहती हैं, तो इनके अगर आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से आपकी परीक्षाओं में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछली क्लासों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 2021 का भी करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है, और आप देखेंगे कि उसके बाद हम लोगों ने जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स कवर किया है, फरवरी महीने 2022 का भी करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है। आज की इस क्लास में हम लोग मार्च महीने में मध्य प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें हम लोग बात करेंगे। और याद रखिए, MPPSC को खासकर ध्यान में रखकर ये सभी क्लासें आपकी ली जा रही हैं, और इसके लिए आपकी एक सेपरेट प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है जिसका नाम है MP करेंट अफेयर्स के नाम से। इसमें पूरा आपको करेंट अफेयर्स मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और इसके तहत आपने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई जिनके पास घर नहीं थे अपने, उनके लिए घर मिले हैं। क्या हुए? घर मिले हुए। और ये योजना आपने देखा होगा कब चलाई गई थी, 2015 की बात है। और इसमें गांव की तरफ आप लोग रहते होंगे तो सरपंचों के मजे भी रहे, सचिवों के मजे भी रहे, उन्होंने काफी लूटा है। तो ये आपकी लॉन्च की गई थी, इस योजना का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 में। ये आप लोग डेट जरूर रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। अभी ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मध्य प्रदेश के 5 लाख से अधिक हितग्राहियों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्चुअल उद्घाटन किया है, और इस अवसर पर मोदी जी ने लोगों से वर्चुअल माध्यम से प्रत्यक्ष एक तरह से जुड़े भी हैं। और इस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंह मध्य प्रदेश के छतरपुर से वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए थे। और इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे सभी निर्धन जो गरीब परिवार हैं उन्हें 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और अब तक इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 24 लाख से ज़्यादा घर बनाए जा चुके हैं। और इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रावधान के तहत 23,000 पक्के निवास राज्य की भारिया, बैगा, सहरिया जनजाति हेतु बनाए गए। ये जनजातियाँ काफ़ी पिछड़ी हैं, क्या हैं? काफ़ी पिछड़ी हैं, तो इनके लिए बनाए गए, तो इनके बारे में याद रखिएगा, इस योजना के बारे में आपको याद रखना होगा। अगली खबर है आपकी मेघा परमार। ये क्यों चर्चा में है, कौन है? और मेघा परमार, ये आप देखेंगे इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश की मेघा परमार ने 45 तकनीकी स्कूबा ड्राइविंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और इससे पहले मेघा ने सफलतापूर्वक हिमालय माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और आप देखेंगे स्कूबा ड्राइविंग की सफलता के बाद मेघा मध्य प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और स्कूबा ड्राइविंग भी की हुई है। और याद रहे, मेघा मध्य प्रदेश के सीहोर शहर की निवासी हैं। कहाँ? सीहोर जिला है ना, यहीं की निवासी हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है। स्कूबा ड्राइविंग से पूर्व उन्होंने 4 अन्य प्रायद्वीप महाद्वीपों के शिखरों को भी फतह कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मेघा को अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का इन्हें क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनके बारे में भी याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी आपका योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 में ही लॉन्च हुई थी, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा घंटा, ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर देखा है आप लोगों ने? ये कहाँ है? मंदसौर में। यहाँ आप देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। और मंदोदरी से भी यहाँ का संबंध रहा है, रावण की जो पत्नी थी उनका भी संबंध रहा है मंदसौर से। तो यहाँ भारत के सबसे बड़े घंटे को स्थापित किया गया है।
और इसका वजन अगर आप देखें तो 3700, 3700 किलोग्राम है, 3700 किलोग्राम, तो आप समझ सकते हैं कि वजन तो है। और इसकी स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रतनगढ़ माता मंदिर में राज्य का सबसे बड़ा घंटा स्थापित था। दतिया जिले में आप लोग रतनगढ़ माता मंदिर गए भी होंगे। और इस घंटे की स्थापना गुजरात की नाहरू भाई द्वारा की गई है। किनके द्वारा? नाहरू भाई द्वारा, ठीक है। मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर है जो अपनी उद्यान की महाविद्यालय हेतु जाना जाता है। मंदसौर को अपने अफीम उत्पादन के कारण भी मध्य प्रदेश में अफीम जिला के नाम से भी जानते हैं। अफीम के लिए भी मंदसौर आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोगों ने जल जीवन मिशन के बारे में सुना होगा, और मुझे लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश में कई जिले हैं जहां आप देखिए पीने के पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं, और आप देखिए दूर कई किलोमीटर से पानी लाते हैं, अपने महिलाओं को ज्यादा परेशानी होने होती है इसमें। तो इंदौर संभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने की श्रेणी में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? इंदौर को। और मुझे लगता है कि हर किसी को आप देखिए कम से कम पानी तो उपलब्ध होना चाहिए। और इंदौर में आप देखेंगे 8 जिलों के 2400 गांव तक जल सुविधा दी जा रही है, और इंदौर संभाग में। और जल जीवन मिशन या हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ मोदी साहब के द्वारा कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इस योजना के बारे में। और इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में घर तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को फंड उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी स्थापना की गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी अहिल्याबाई होलकर वन्य जीव अभयारण्य। क्या अहिल्या, ये रानी थी, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा इतिहास में। अहिल्याबाई होलकर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य एक क्यों चर्चा में है? तो आप देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के चोरल और बड़वाहा में एक वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की का निर्णय लिया गया, और इसका नामकरण मालवा क्षेत्र की होलकर वंश की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। इस अभयारण्य में इंदौर व खरगोन जिले के कुल 6000 हेक्टेयर में फैला रहेगा। इंदौर, ये कहाँ का? इंदौर, ये पूछा जा सकता है इंदौर, और इसमें आप देखेंगे इंदौर है आपका और खरगोन शामिल है इसमें, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि इस अभयारण्य में तेंदुआ, तेंदुओं, चीतल, लकड़ बग्घों, कृष्णमृग आदि का संरक्षण किया जाता है। चोरल नदी का उद्गम भी इंदौर में है, और चोरल वर्तमान इंदौर जिले का भाग है जबकि बड़वाह खरगोन जिले में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक अगली खबर है आपकी जबलपुर में को नशा मुक्त सम्मान। किसे? जबलपुर को, न्याय की राजधानी है ना जबलपुर, इसे आप देखेंगे नशा मुक्ति हेतु सम्मान दिया गया है। और आप देखिए मुझे एक समझ में नहीं आया आज तक कि आप देखेंगे कि उस पर नशे, कोई भी पदार्थ आप देखिए नशीला, उस पर आप देखते हैं कि चेतावनी लिखी रहती है, लोग फिर भी पीते हैं, बताइए। वे तो ऐसा ही हाल है कि आप देखिए आगे लिखा हुआ है कि आगे खाई है और हम जाकर उसमें गिर जाएं, तो उसमें तो हमारी गलती है। हाल ही में जबलपुर को राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि नशा मुक्त अभियान, भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों में नशे की लत को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए सराहा गया है। और आप देखेंगे इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इस अभियान की शुरुआत 27 जून 2022 को की गई है। और क्या नशा मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिएगा, याद रखिएगा नशा मुक्त अभियान, ठीक है। और इस अभियान के तहत भारत के आप देखें 272 जिलों में चलाया जा रहा है, और इसे मध्य प्रदेश के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। कितने? 15 जिलों में चलाया जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नशा मुक्त भारत अभियान, अभियान
अभियान अभियान। इसके बारे में कुछ और पॉइंट बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर इनसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकें, क्या कर सकें, दे सकें। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ 272 जिलों में चलाया जा रहा है, कितने 272 में। और इस ड्रग्स मुक्त भारत अभियान को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो माफ़ी चाहता हूँ कि इसमें पता नहीं क्यों मिसप्रिंट हो गया लिखते वक्त, तो इसमें आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको, ज़रूर याद रखना है आपको कि ये आपका कब 15 अगस्त 2020 में इसे हरी झंडी दी गई थी, ठीक है। और आप देखेंगे एक तरह से, आप देखिए कि नशे से छुटकारा मिले, इससे मिलता क्या है, कुछ मिलता है नहीं, लोग परेशानी ही होते हैं, परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली खबर क्या है, किसे जबलपुर को मिला है, ये जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे, ठीक है। 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग प्रतियोगिता हुई है, कौन सी, 14वीं राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग, आप देखें फेंसिंग प्रतियोगिता, इसके बारे में क्या याद रख, इसके बारे में आप लोग याद रखें कि इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है, कहाँ, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आयोजित ईपी टीम आयोजन में दीपक शर्मा, अरविंद रजक और संजय कोठिया ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है। और दीपक शर्मा गुना के निवासी हैं, कहाँ के, गुना मध्य प्रदेश के, और अरविंद रजक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के निवासी हैं, जबकि संजय कोटिरिया का स्थान, का निवास स्थान मुरैना में है। दीपक शर्मा को व्यक्तिगत स्तर पर भी आप देखेंगे ईपी आयोजन में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो इन सब के बारे में याद रखिए, दीपक शर्मा गुना के निवासी हैं, गुना के रहने वाले हैं, अरविंद रजक ग्वालियर के रहने वाले हैं, संजय कोटिया ये आप देखेंगे मुरैना के निवासी हैं। और जो दीपक शर्मा है इन्हें व्यक्तिगत स्तर पर भी इन्हें क्या मिला है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुधीर सक्सेना ये क्यों चर्चा में है, क्या सुधीर सक्सेना, ये आप देखेंगे कौन है सुधीर सक्सेना, आप देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सुधीर सक्सेना को मध्य प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ये 1992 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और आगे जाकर आप लोग भी इस पद पर पहुंचेंगे। और इस पद पर नियुक्ति से पूर्व श्री सक्सेना ने सीआईएसएफ के विशेष निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी, और इस पद पर नियुक्ति श्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा की गई है। और श्री नरोत्तम मिश्रा आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और वैसे मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी जानते हैं कि यहाँ 230 आपको विधानसभा सीटें देखने को मिल जाएंगी, 11 आपकी राज्यसभा सीटें हैं, और आपकी 29 आपकी लोकसभा सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था, आगे जाकर आप देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 में आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, भोपाल इसकी राजधानी है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें कह सकते हैं आप लोग। मीरा यादव, और दूसरा नाम है मीरा यादव, और दूसरा नाम है आप देखिए कि क्या है, दूसरा नाम है कुंताबाई यादव, कुंताबाई, देखिए अजीब नाम रखे जाते हैं, कुंताबाई बाई यादव, ठीक है। ये क्यों चर्चा में, हाल ही में दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कुंता यादव और मीरा यादव को उनके स्वरोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और ये महिलाएं मध्य प्रदेश में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं, और आगे चलकर इन्होंने मनरेगा के अंतर्गत चलाई जा रही उन्नति योजना से डेयरी स्टार्टअप शुरू करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मीरा यादव कुंता देवी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की निवासी हैं, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से आप जानते थे। तो इन दोनों लोगों का नाम कहाँ से संबंध है, नर्मदापुरम, जो आप नर्मदापुरम नया एक तरह से नाम है ना होशंगाबाद का, वहीं की निवासी हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। अगली खबर आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जान लीजिए, क्या आजकल आप देख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भी बात हो रही है, और वो दिन दूर नहीं, आप देखिए कि मानव जैसी कहीं बुद्धि
मशीन में ना डाल दिया जाए। बुद्धिमता। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 8वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ने का निर्णय लिया है, और ये आपका 2022-2023 के सत्र में एक तरह से लागू हो जाएगा 2023, ठीक है। और इस हेतु माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ करार किया गया। वैसे मध्य प्रदेश के जिलों में, सभी जिलों में एक तरह से लागू किया जाएगा, 51 जिलों में, 52 नहीं, 51 नहीं, 52। आप सभी जानते हैं पहले 51 था और फिर एक निवाड़ी जोड़ दिया गया, और इस तरह से आप देखें 52 हो गए आपके टोटल, कितने टोटल 52 हो गए, और निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग करके एक जिला बनाया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए आपकी मार्च महीने 2022 की कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो इनसे अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो आराम से आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग अगली क्लास में आपका अप्रैल महीने में जो घटनाएं घटी उन पर भी बात कर लेंगे, एक सामान्य जानकारी देख लेंगे।